हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जैसे ब्लाउज के लिए गला कैसे बनाते हैं और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, जैसे पैच वाला गला कैसे बनाना है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। बहुत सारे लोगों का क्या प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे हम नए सिलने वाले हैं उनका जो ये प्रॉब्लम आता है, जैसे सिलाई तो कर लेते हैं लेकिन गला बनाना नहीं आता। इससे क्या हो जाता है, थोड़ी सी गलती होने के कारण ये गला जो है वो आपका गलत हो जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको सिखाऊंगी। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे गले की डिज़ाइन जो है वो कैसे बनानी है। तो यहाँ मैंने क्या किया है, पहले तो पेपर लिया है, आप कपड़े के ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं एक बताऊंगी आपको जो नए सिलने वाले हैं, पहले तो आप पेपर के ऊपर कटिंग करो, उसके बाद उसकी जो प्रैक्टिस है आप कैनवास पेपर के ऊपर कटिंग करो, उसके बाद आप कपड़े के ऊपर रख के गले की डिज़ाइन जो है वो बना लो। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया है, बंद बाजू जो है वो अपने साइड में हमने रखी है। और जितनी गले की लंबाई होगी, जितनी आपकी ब्लाउज़ की लंबाई होगी उतनी आपकी ब्लाउज़ की लंबाई लेनी है और उसमें आपको एक इंच प्लस करना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, यहाँ पे गले की चौड़ाई लेनी है। अब गले की चौड़ाई जो है वो कितनी रखनी है, जब हम डीप गला बनाते हैं या डिज़ाइन वाला गला बनाते हैं तब आपको क्या करना है, गले की चौड़ाई जो है वो कम रखनी है। तो हम 1.25 इंच पे रखेंगे, 5 इंच पे हम शोल्डर रखते हैं, क्योंकि जब हम गला कम करते हैं तो शोल्डर भी हमें कम करना है। तो यहाँ पे हमने गले की चौड़ाई कम की और शोल्डर भी हमने कम किया है। उसके साथ साथ हमें आर्मोल लेना है, आर्मोल लेना है हमें 5.5 इंच, हम 5.5 इंच पे मार्किंग करते हैं और यहाँ पे इस तरह से सीधी एक लाइन खींचते हैं। यहाँ पे हमें चेस्ट का बंदफर थे हमारा 8 इंच, उसके आगे आपको 1.5 इंच लेना है, यानी कि 9.5 इंच, 9.5 इंच पे एक मार्किंग करते हैं। 9.5 इंच पे हमने मार्किंग करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से 1/2 इंच तिरछा लेना है और 1.5 इंच यहाँ पे हमारा ये एक्स्ट्रा रहेगा। उसके बाद यहाँ हम बैक साइड कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बैक साइड के लिए 1.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। 1.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से इसे राउंड शेप देना है, जो आर्मोल की गोलाई जो है वो आपको देनी है। उसके साथ साथ जब हम गला बनाते हैं तो आपकी गले की चौड़ाई हमने ली 1.25 इंच, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसकी लंबाई लेनी है। अब गले की लंबाई कैसे लेनी है और कितनी रखनी है, अब देखिए आपका नॉर्मल गला होगा, आपको पैच वाला गला नहीं बनाना है, तो आप 9 इंच, 8.5, 8 इंच जो भी आपका गले की लेंथ होगी वो आपको लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको पैच वाला गला बनाना है, तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे इसमें पैच वाला गला बनाने हैं तो यहाँ पे मैं 10.5 इंच पे मार्किंग करती हूँ। तो यहाँ पे हमने 10.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे भी हमें 2.25 इंच पे मार्किंग करनी है इस तरह से, और यहाँ पे हम इस तरह से लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जो गला है वो बनाना है, जैसे आपको पान गला बनाना है तो थोड़ा सा हल्का सा इस तरह से आपको अंदर के साइड से लेना है, या इस तरह से आप इस तरह बाहर के साइड से यहाँ पे भी आपको लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमने ये पान गला बनाया है। उसके बाद आपको पैच वाला गला बनाना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे आपको लगता है कि आपका गला छोटा है, 8 इंच का गला है, तो 8 इंच पे मार्किंग करनी है। और उसके साथ साथ आपको 8 इंच जो है यहाँ पे आप चाहे तो राउंड शेप में भी बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप जैसा चाहिए वैसे डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये पैच वाला गला जो है वो बन जाएगा। अब पहले तो आपको क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है, तो पहले मैं आपको कटिंग करके भी बताती हूँ। पहले हमें आर्मोल को कट करना है, उसके बाद हमें गला जो है वो कट करना है, जैसे हमने मार्किंग किया है बिल्कुल उसी के ऊपर आपको मार्किंग करनी है। अब ये हो गया आपका डीप गला। उसके साथ हमने क्या किया है, पैच वाला गला बनाया है, पैच वाला गला बनाया है तो आपको ये इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। अब देखिए इसके बीच हमने क्या किया, ये पैच वाला गला बनाया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो गला है पहले आपको ये गला बनाना है,
पहले हम ब्लाउज के ऊपर ये गला बनाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो पेपर है ये आपको कैनवास पेपर के ऊपर रखना है। ऊपर के साइड में तो गला आपका एकदम परफेक्ट आएगा, लेकिन नीचे जो है वहाँ पे आपका सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, आधा इंच यहाँ इस साइड में, दोनों साइड में आधा आधा इंच बढ़ाना है। आधा आधा इंच बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो यहाँ पर आप आधा इंच बढ़ाओगे तो ये अंदर के साइड में सिलाई में चला जाएगा और ये पैच जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको पैच वाला गला और सिंपल गला कैसे बनाना है ये मैंने आपको बताया है। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें, और आपको कपड़े के ऊपर चाहिए तो मैं कपड़े के ऊपर भी आपको बना के कैसे बनाना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।